बड़वानी के समीपस्थ क्षेत्र में गणपुर चौकी में युवक ने युवती को फायर कर गंभीर घायल कर दिया और बाद में खुद ने भी गोली मार ली। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवती महिला आरक्षक के पद पर राजगढ़ जिले में पदस्थ है और स्वयं की शादी के कार्ड बांट रही थी, उसी वक्त युवक ने घटना को अंजाम दिया। DIG योगेश देशमुख ने बताया कि आरोपी युवक ने महिला आरक्षक को शादी के लिए कहा था, युवती ने मना कर दिया था। महिला आरक्षक का अस्पताल में उपचार चल रहा है और उसके गले में गोली फंसी हुई है। मामले को गंभीरता से देखते हुए इंदौर रेंज IG आज जिले के दौरे पर थे। वह भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने डॉक्टरों से घायल महिला आरक्षक के स्वास्थ्य की जानकारी ली। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह 10 बजे गणपुर चौकी पर एक युवक ने कार के सामने बाइक अड़ाकर युवती को गोली मारी थी, उसके बाद खुद को भी गोली मार ली थी। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। अस्पताल आए हो सर, हालात देखिए। मैं यहाँ पे जिला बड़वानी में इंस्पेक्शन पे हूँ और जानकारी मिली कि हमारे एक लेडी कांस्टेबल को किसी ने गोली मारी है, उसको भी उसने गोली मार दी। वही जानकारी लेने के लिए मैं आया। सर कौन थे और कहाँ पर पदस्थ थे ये लोग? ये हमारी महिला कांस्टेबल पल्लवी नाम की हैं, इनकी पदस्थापना राजगढ़ जिले में है और यहीं पे अपने गांव में आई हुई थी, अक्रॉस द रिवर धार जिले में। वहीं का ये लड़का है जिसने गोलपुर को भी गोली मारी। सर क्या हालत है? अभी डॉक्टर से बात हुई है, संभवतः प्रयास करेंगे ठीक ठाक रहे। सर अवैध हथियारों को लेकर के कोई मुहिम चली जाएगी जिस तरीके से आज भी अवैध हथियार? अवैध हथियारों के लिए मुहिम चल रही है लगातार, काफ़ी हथियार पकड़े जा रहे हैं, काफ़ी बदमाश पकड़े जा रहे हैं और ये तो निरंतर प्रक्रिया है। समाज में ये सब क्राइम्स होते हैं और पुलिस की सख्ती बनी रहती है और आगे भी चलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।